अब बात करते हैं एंटीलिया विस्फोटक केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस अफसर सचिन वाजे की, जिन पर एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। गुरुवार रात को एनआईए सचिन वाजे को मुंब्रा खाड़ी में लेकर गई ताकि वो पूरी सीन रिक्रिएट की जा सके कि किस तरह से मनसुख हिरेन की हत्या हुई है और जहां पर उनकी लाश भी मिली थी 5 मार्च को। अब एनआईए के अगर हम सोर्सेज को बिलीव करें और एनआईए के सूत्रों से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वो बार बार यही बोल रहे हैं कि मनसुख हिरेन की हत्या की गई थी, मुंब्रा खाड़ी में उनको फेंक दिया गया था। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि हत्या के पहले उनको शराब पिलाया गया और उसके बाद उनको क्लोरोफॉर्म सुंघाई गई और फिर उनके मुंह में 4 रुमाल अंदर ठूंस दिया गया जिससे उनकी दम घुटने से मौत हो गई। एक और सीसीटीवी फुटेज का भी उल्लेख यहां पर आ रहा है कि एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिला है जहां पर मनसुख हिरेन और सचिन वाजे साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं और ये 17 फरवरी का फुटेज है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें सचिन वाजे सड़क पार करके एक काली वॉल्वो में जाकर बैठ गए हैं और ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इस वॉल्वो को ड्राइव करने वाला और कोई नहीं बल्कि मनसुख हिरेन था। और फिर सीसीटीवी फुटेज में दोनों सचिन वाजे और मनसुख हिरेन साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि एनआईए ने 2 मर्सिडीज जो कि सचिन वाजे की हैं, 1 लैंड क्रूजर, 1 इनोवा और स्कॉर्पियो की फॉरेंसिक जांच भी शुरू कर दी है। और अब ये बताया जा रहा है एनआईए के सूत्रों के हवाले से, ये जो पता चल रहा है कि सचिन वाजे का डीएनए टेस्ट भी होगा। तो डीएनए टेस्ट बिना ब्लड सैंपल के नहीं हो सकता, तो सचिन वाजे का ब्लड सैंपल ले लिया गया है। पहले वो रिलक्टेंट थे, नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर अल्टीमेटली अपना ब्लड सैंपल दे दिया है और अब उनका डीएनए टेस्ट जल्द से जल्द होगा। और आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस ने कहा था कि वो बहुत ही जल्द मनसुख हिरेन की जो मर्डर मिस्ट्री है उसको सॉल्व करेगी। और एटीएस ने जब एनआईए को केस सौंपा था तो उसके ट्रांसफर के ठीक पहले ही उन्होंने बता दिया था कि जो मेन मास्टरमाइंड है वो सचिन वाजे है मनसुख हिरेन की हत्या का। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि वो सुपर कॉप बनना चाह रहे थे और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मनसुख हिरेन की हत्या कर दी। और ये सारी बातें सामने आई हैं। और एक बात और जो एनआईए की तरफ से निकल कर आ रही है कि 4 मार्च को सचिन वाजे ने अपना जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो अपने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के ऑफिस में ही छोड़ दिया था ताकि जब उनकी लोकेशन ट्रेस की जाए तो वो लोकेशन उनकी सीआईयू ऑफिस की ही हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर्स से बताया जा रहा है कि सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की बातचीत हो रही थी और वो जो लोकेशन ट्रेस हुई है वो मुंब्रा खाड़ी के आसपास के इलाके की है, जो कि ये साफ बताता है एनआईए के सोर्सेस के हवाले से कि सचिन वाजे वहां पर मौजूद थे जब मनसुख हिरेन की हत्या या आत्महत्या हुई है। अब आपको बता दें कि एनआईए ने इस बात को कहा है और बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा है कि जो एटीएस ने जिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है जिनका नाम विनायक शिंदे है, तो उनको भी आमने सामने बिठाकर, सचिन वाजे के सामने बिठाकर पूछताछ होगी। उधर जितेंद्र आवाड ने फिर से एक बार रश्मि शुक्ला जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं उनके ऊपर सवाल खड़े किए हैं कि किस तरीके से वो बीजेपी एक निर्दलीय विधायक को बीजेपी का समर्थन करने के लिए कह रही थी। तो एक तरफ परमबीर सिंह और रश्मि शुक्ला के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। कल हमने आपको बताया था कि ऑलरेडी संजय राउत ने यह कहा है कि ऐसे अफसरों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और थोक के भाव में हम उनको बजाएंगे। इस तरीके की लैंग्वेज संजय राउत ने इस्तेमाल की थी और कहा था कि ऐसे अफसरों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये जो पूरा मामला है ये इतना पेचीदा हो चुका है कि इसमें अलग अलग इस समय बिंदु नजर आ रहे हैं। सचिन वाजे, मनसुख हिरेन, उसके बाद परमबीर सिंह, रश्मि शुक्ला, यानी कि कुल मिलाकर राजनीति में के अंदर इस समय जो इस तरीके की राजनीति हो रही है एंटीलिया विस्फोटक केस के मामले में, अलग अलग प्यादे इस समय नजर आ रहे हैं, चाहे वो सचिन वाजे हो, चाहे परमबीर सिंह हो, रश्मि शुक्ला हो। लेकिन किस तरीके का एक पॉलिटिकल नेक्सस सामने आ रहा है कि किस तरीके से, और तमाम चीजें जो देवेंद्र फडणवीस ने भी जिसका खुलासा किया कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स का मामला है, उसके बाद अनिल देशमुख के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है कि वो 100 करोड़ की उगाही का मामला सामने आ रहा है बार्स और रेस्टोरेंट से, तो कुल मिलाकर एक जो नेक्सस बन रहा है
उससे ये पता चल रहा है कि किस तरीके से राजनीति चलती है और राजनीति कैसे चलती है। आप किसी न किसी इंस्टीट्यूशन को आपको दबाना पड़ता है, रिप्रेस करना पड़ता है और उस इंस्टीट्यूशन में के अंदर बैठे हुए अफसरों का इस्तेमाल सत्ता किस तरीके से करती है, ये इस पूरे प्रकरण से सामने आता है। भले इसमें सच्चाई हो या ना हो कि इस तरीके की उगाही का मामला है, इसकी सच्चाई क्या है, उसके बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग्स के तबादले में क्या उद्धव ठाकरे वाकई में पैसे लेकर ऐसा काम करते हैं, तो ये तमाम चीजें इस समय जांच का विषय हैं। लेकिन हाँ, जिसको एक डार्क सीक्रेट कहा जाता है, इन बातों को पहले भी पब्लिक डोमेन में कई बार ऐसी बातें आई हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अफसर ने खुद एक चिट्ठी लिखकर और इस तरीके की बातों का खुलासा किया हो, तो वाकई में राजनीति से विश्वसनीयता उठती हुई नजर आ रही है। साथ में जो पूरा पुलिस महकमा है उसकी छवि दागदार हो रही है और पूरे इंस्टीट्यूशन अपने आप में किस तरीके से खत्म हो रहा है राजनीति के द्वारा, ये उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। बात करते हैं असम और बंगाल के पहले चरण के मतदान की। जी हाँ, कल सुबह से पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। बात पहले करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर कल मतदान होगा और इसमें ये इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि पुरुलिया, झारग्राम, बांकुरा, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, तो कुल मिलाकर 294 सीटें हैं। 8 चरण का मतदान है जिसमें कि कल पहले चरण का मतदान यहां पर होगा और कांटे की टक्कर इस समय दिख रही है। लेकिन अगर आप पिछले चुनाव की बात करें तो ये जो सीट्स है 30, वहां पर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि पिछले बार के चुनाव में टीएमसी 27 सीटों पर जीत उसने हासिल की थी। तो क्या इन 27 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो पाएगा, ये देखने वाली बातें हैं। अब बात करते हैं असम की। असम में 47 सीटों पर कल मतदान होगा। कुल मिला के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं और इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर जो समय कल जहाँ पर मतदान है वो सोनितपुर, नागांव, जोरहाट, माजुली, शिवसागर, लखीमपुर, दिब्रुगढ़, तिनसुकिया, ये तमाम वो एरियाज हैं जहाँ पर कल 47 सीटों पर मतदान होगा। और आपको बता दें कि इस पूरे मतदान के फेज में, यानी कि जो पहला चरण असम का है, वहां पर स्पॉटलाइट टी गार्डन्स पर रही है और जो इम्पोर्टेंट लीडर्स इस चरण में देखे जा रहे हैं वो सर्बानंदा सोनोवाल जो कि माजुली से लड़ रहे हैं, एंटी सीए प्रोटेस्टर जिनको जेल हुई थी, अखिल गोगोई, रिपुन बोरा जैसे बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनकी जो साख है वो दांव पर इस समय लगी हुई है। अब अगर हम असम की बात करें तो असम में बीजेपी का एक अपना अलायंस है लेकिन मेन पार्टी बीजेपी है, और अगर महाजोट की बात करें यानी कि जो कांग्रेस का जो अलायंस है AIUDF के साथ, CPIML, अंचलिक गण परिषद, RJD और बोडोलैंड पीपल फ्रंट जिसने की बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, तो जितने भी कैंपेन्स हुए हैं महाजोट को महाझूठ बता रही है बीजेपी। और जो पूरे सीए का मुद्दा है वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी इसको लेकर, सीए के मुद्दे को लेकर बिल्कुल चुप है, लेकिन असम में ये कहा गया है कि वो उसे पहली कैबिनेट मीटिंग में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है, कांटे की टक्कर दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में पहली बार बना पाएगी, और दूसरा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।